अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डे फोर का लेसन स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर वन से। एंड यूनिट नंबर वन इज सेल टिश्यूज एंड ऑर्गन। वी स्टार्ट आवर डे टू विद द स्ट्रक्चर एंड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। एंड इसमें हम देखेंगे कि प्लांट्स की स्ट्रक्चर किस तरह की होती है और इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर एक डायग्राम नज़र आ रही है आप लोगों को, ये किसकी डायग्राम है? प्लांट सेल की। एंड द प्लांट सेल हैज़ मैनी स्ट्रक्चर लाइक, सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो है इसकी, उसको सेल वाल कहते हैं हम लोग, जो कि सेल एनिमल साइज में नहीं होती। एनिमल्स की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन प्लांट में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल वाल। उसके बाद इसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। लेकिन आपने ये याद रखना है कि जो प्लांट सेल्स हैं इनमें एक ही बहुत बड़ा वैक्यूल होता है, और वो वैक्यूल जो है वो क्या करता है कि सेल के सेंटर को ऑक्यूपाई कर लेता है और न्यूक्लियस को एक साइड पर धकेल देता है, क्योंकि इसका साइज़ क्या होता है, बड़ा। जबकि एनिमल्स में छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं। इसके अलावा इसमें साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स जो हैं वो मौजूद हैं, जैसे राइबोसोम्स हैं, प्रोटीन की तैयार करने वाली ऑर्गेनेल्स हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ से राइबोसोम्स प्रोड्यूस होते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। उसके बाद गॉल्जी अपैरेटस और माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आप लोगों को पता है इसको क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। मतलब हमारे सेल को जितनी भी एनर्जी की ज़रूरत होती है वो सारी की सारी किससे मिलती है, हमें माइटोकॉन्ड्रिया से। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट हैं, तो डियर स्टूडेंट्स क्लोरोप्लास्ट का भी पता होना चाहिए आप लोगों को, ये वो ऑर्गेनेल्स है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट सेल है, उसमें क्या क्या है, फोर मेन पार्ट्स ऑफ प्लांट सेल आर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन एंड द वैक्यूल। दीज आर द फोर इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर इन द प्लांट सेल। थैंक यू।